हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 कप चावल का आटा। इसे हम चावल के आटा में ही बनाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपना टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और नमक डालने के बाद इसको हम एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर हम गरम लिए हैं, गरम पानी ही इसमें डालना है। यानी कि आप चावल के आटा का कभी डो बनाते हैं, यानी कि चावल के आटा आप कभी भी गूंथते हैं, तो गरम पानी से ही गूंथिएगा। यानी कि गरम पानी से गूंथने पर इसका जो डो है सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और अब इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, हम चावल के आटे के डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। डो हमारा रेडी है। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम थोड़ा सा लेंगे और हथेली में अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसे हथेली पर रखकर इस तरह से रोल इसका बना लेंगे घुमाते हुए। यानी कि इसको हम फिंगर के शेप दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से फिंगर शेप में हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप किस सिटी से हमसे जुड़े हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम सारे रोल को बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से एक रोल आपको मैं पास से उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखने में ही ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिए थे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, यानी कि पानी में उबाल आने लगा है। तो अब हम जो रोल बनाए थे उसे एक एक करके हम सावधानी से इस पानी में सारे रोल को डाल देंगे। और सारे रोल को हम पानी में डाल दिए हैं। और अब हम गैस के फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक हम इसी तरह से पकने देंगे। बीच में एक बार हम इसको चम्मच डालकर चला लेंगे। और अब हम इसको इसी तरह से 5 मिनट तक पका लिए हैं। आपको मैं अब दिखाती हूँ पास से, ये देखिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल गया है और इसका साइज बड़ा सा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे रोल को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। और अब हम इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होगा तब तक हम आगे के तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हम एक पैन ले लिए हैं और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा लिए हैं, और 1/4 छोटा चम्मच व्हाइट वाला तिल, यानी कि उजला वाला तिल। और इसे क्रैक होने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी करी पत्ता, यानी कि 5 से 6 करी पत्ता लिए हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिए थे। इसके बाद इसको हम चलाते हुए 30 सेकेंड तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद जो अभी हम रोल ठंडा किए थे ना, बनाए थे, उसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद इसको हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हम अच्छे से चला लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। और अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, इसे चलाते हुए हम 1 मिनट तक पका लिए हैं। और अब हम गैस के फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। इसे नीचे उतार कर हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है और बनाना भी आसान है। तो एक बार तो इसे बनाना बनता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।